हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव माय कुकिंग एक्सपीरियंस। आज हम बनाएंगे मिंटी पनीर, पनीर विद मिंट। ये जो है एक साइड डिश भी है, एक स्नैक भी है, या आप इसे एक सब्जी के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिंट है, पुदीना है, इसे हमें स्टेम के साथ काटना है। पूरा कोई भी ग्रीन वेजिटेबल की स्टेम को जो है ये फेंकना नहीं चाहिए। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। इसके लिए आप देखिए, इसको यहाँ से तोड़िए, अभी नहीं टूट रही है, और नीचे से फिर तोड़िए, यहाँ से भी नहीं टूट रही है, तो आप इसे और नीचे से तोड़िए। देखिए, ये आराम से जहाँ से टूट जाती है उतनी स्टेम आपको लेनी है। ऊपर की स्टेम को आपको फेंक देना है, इसके लीव्स निकाल लीजिए, और स्टेम को, क्योंकि वो बहुत हार्ड स्टेम है, उसे फेंक देना है। जो सॉफ्ट वाली स्टेम है हम उसे ही सिर्फ यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम और सारे पुदीने का हम इस तरह से देख लेंगे और काट लेंगे, उसे बारीक काट लेंगे। फाइनली चॉप्ड करना है हमें इसको। और ये पनीर, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जितने साइज़ के टुकड़े अगर पसंद हो आप उतने साइज़ के काट सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्यूमिन है, जीरा है, और अजवाइन है, और ये हरी मिर्च है, ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है और इनको बारीक काट लिया है। ये लेस स्पाइसी है, कम तीखी मिर्ची हैं ये। आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सॉल्ट, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक मैंने पैन ले लिया है, गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ये ऑयल, एक टेबलस्पून ऑयल है ये, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, एक टेबलस्पून ही काफ़ी होगा, ये हम इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ग्रीन चिल्लीज़ जो है ये ऐड कर देंगे। ग्रीन चिल्लीज़ मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि ये कम स्पाइसी हैं। अब हम इन्हें एक दो मिनट तक सॉटे कर लेंगे, हल्का हल्का सब भून लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे बस एक दो मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे। ये कभी जो है देगी मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए होता है, और ये इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप ग्रीन चिलीज भी कम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जीरा है, क्यूमिन और अजवाइन है, इसे हमें तड़के के लिए भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। अब इन्हें सॉल्ट हम इसमें डाल दिया हमने, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दीजिए, और अब हम इसमें अपना पनीर ऐड कर देंगे। देखिए, हमारा पनीर जो है कटा हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर में अपना पानी बहुत होता है, और मिंट में भी पानी होता है, तो वो काफ़ी होगा। अब देखिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इस पर जो है रेड चिली पाउडर का कलर भी अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें ये मिंट ऐड कर देते हैं, सारा मिंट जो है इसमें ऐड कर देंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें कोई पानी वानी नहीं डालना है, और इसे ढककर अब हम 4 to 5 minutes जो है ढककर हम इसे पकाएंगे। सिर्फ इसका पानी जो है वही हमें रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है। ये देखिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसने पानी जो है काफ़ी पानी छोड़ दिया है, और हमारा जो मिंट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। देखिए, ये पानी जो है, इसने पनीर में काफ़ी पानी होता है और मिंट में भी पानी होता है, तो अब हम इसे इस पानी के सूखने तक, पानी के रिड्यूस होने तक हम जो इसे पकाएंगे। ये फटाफट बन जाता है, ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम फिर चेक कर लेते हैं, ये हमारा पनीर जो है ये बनकर तैयार हो गया है, इसका पानी जो है बिल्कुल सूख गया है। ये देखिए, अब हम इसमें, ज़्यादा सॉफ्ट पनीर रहे हमारा, इसके लिए हम इसमें थोड़ा मक्खन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मक्खन है, ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच मक्खन आप डाल दीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिए, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, और ये पनीर जो है सॉफ्ट भी बहुत रहेगा। कई बार बहुत ज़्यादा पकने से पनीर हार्ड हो जाता है, तो इससे जो है इसका हार्ड नहीं होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको मक्खन ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि गर्म ज़्यादा मक्खन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। इसे ऐसे ही सर्व करना है। गैस मैंने बंद कर दी है, और अब हमारा मक्खन इसमें मेल्ट हो गया है, सारे में मिक्स हो गया है। अब ये तैयार है हमारा मिंटी पनीर, पनीर विद मिंट। ये देखिए, ये हमारा
पनीर विद मिंट या मिंटी पनीर बनकर तैयार है। ये एक साइड डिश की तरह से भी सर्व कर सकते हैं आप इसे, मेन डिश में भी सर्व कर सकते हैं आप इसे, और ये स्नैक में भी खाया जाता है। जैसे चाहे आप इसे आप सर्व कर सकते हैं। इसे खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई इंस्पिरेशन। अब जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ।